थाना बाबूगढ़ कस्बा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में शनिवार रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में दूल्हे का भाई पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इस सूचना पर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। अनन फनन में स्वजनों ने घायल को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। जब लड़का बग्घी पे से उतर के आया तो लड़के के भाई, जीजा, भाभी सब पीछे रहते हैं। हम लोग सब पीछे थे, लड़के का टीका हो रहा था। टीका होने के तुरंत बाद हमारे जो नंदोई हैं वो दान दक्षिणा दे रहे थे निकाल के, तो बड़े भाई को भी बुलाया गया। बड़े भाई को देखने के लिए जैसे पीछे टर्न करा, उस लड़के ने वैसे फायरिंग जो होती है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भीमनगर निवासी रामवीर ने अपनी पुत्री की शादी में जनपद संभल के गांव गामा निवासी हेम सिंह के साथ तय की थी। शनिवार रात बारात संभल से थाना बाबूगढ़ कस्बा स्थित एक बैंकेट हॉल में आई थी। चढ़त के बाद बारात टीके की ही रस्म के समय बैंकेट हॉल में पहुंची। इस दौरान वधू पक्ष के एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दूल्हे का छोटा भाई रूमा सिंह 19 इसकी पैर पे गोली लग गई। गोली लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गोली लगते वहां मौजूद लोगों में हड़कंप समझ गया। धन्यवाद।